हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो मैथ का लेक्चर था, अभी तक हम लोग साइंस के लेक्चर के बारे में बात कर रहे थे और कल हम लोगों ने जो है रिवीजन किया हुआ था। कल मैंने कोई भी नया लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया हुआ था और आज जो है मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। तो हम लोगों ने होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। किसके बारे में बच्चों हम लोगों ने ध्यान दिया था? होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। इसको कहते हैं संपूर्ण संख्या और इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और इस नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग मीन्स जब कभी भी हम नंबर्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी चीज ए टू जेड कुछ भी हमको काउंट करनी होगी तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर है। कैसे है? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर है। ओके, उसी चीज से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो है ये जो है टेट है, सीटेट है, इस तरह के एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि जो चीजें आसान होती हैं और जो आती हैं उनको करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या होता है। क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही, इसको याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या है? अनुवर्ती का अनुवर्ती ये अनुवर्ती के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर कोई भी ये काउंटिंग नंबर है या होल नंबर है, कोई भी है, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। कैसी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों बोलते हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इस प्राकृतिक संख्या का अगर इसमें x प्लस वन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? x का अनुवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? x का अनुवर्ती हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब यही यहां पे अगर हम लोग देखें कि अगर कोई भी x नंबर दी हुई है, x क्या है? नंबर दी हुई है। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अगर इसी में हम x प्लस वन जोड़ दें तो ये क्या है? x प्लस वन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? अनुवर्ती हो जाएगी। अनुवर्ती किसकी? x की। बात समझ में आई? अगर इसी में हम एक और जोड़ दें, x प्लस टू कर दें तो ये क्या हो जाएगी? x के अनुवर्ती का अनुवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x के अनुवर्ती का अनुवर्ती। क्या हो जाएगा बच्चों? x के अनुवर्ती का अनुवर्ती। तो बात समझ में आई? अगर कोई भी संख्या दी हुई है उसका अगर हम लोग अनुवर्ती फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक जोड़ देंगे, अगर उसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुवर्ती का अनुवर्ती हो जाएगा। और थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसी से। ये चीज लिखी रहेगी यहां पे, हम लोग लिखेंगे 5। क्या लिखा? 5। तो 5 के अनुवर्ती का अनुवर्ती, 5 के वही चीज लिख देंगे पूरी 5 के अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या होगा? 7। बात समझ में आई? 5 में 1 ऐड किया तो 5 का अनुवर्ती, और फिर 5 में 1 ऐड करने के बाद फिर से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अनुवर्ती का अनुवर्ती। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? 5 में 1 ऐड किया तो क्या है? ये 5 का अनुवर्ती है। अगर इसी में क्या किया? 5 प्लस 1 दो बार कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 5 के अनुवर्ती का अनुवर्ती। 5 के अनुवर्ती का अनुवर्ती। बात समझ में आई? ओके, इस तरीके से क्या है, पूर्ववर्ती देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग में आना, क्योंकि दिमाग में ये ना रहे कि हम
सर ने हमें अनुवर्ती बताया है या हमने केवल अनुवर्ती के बारे में पढ़ा है, ये नया टर्म कहां से आ गया अनुवर्ती का, अनुवर्ती दिमाग में खसक जाएगा कि अरे हो सकता है कि एक स्किप एक एक्स्ट्रा आ गया हो, यहाँ पे जो है अनुवर्ती ही केवल होगा। तो ये हमेशा जो है दिमाग में बिठा लेना कि इस तरह से भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है कि अनुवर्ती का अनुवर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन एक हम लोग लेते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती ओके ये पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। जैसे कोई नंबर हमने लिया, ध्यान से देखना, x लिया, अब x का पूर्ववर्ती क्या होगा, x का पूर्ववर्ती क्या होगा, कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4। अब क्या करेंगे, अनुवर्ती का अनुवर्ती निकालेंगे, x सॉरी पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, x के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती कितना होगा, x माइनस 1। अब सॉरी यहां पे क्या लिखना है, यहां पे केवल x माइनस 1 लिखना था प्यारे बच्चों, ठीक, क्योंकि नंबर्स नहीं थी ना, मैं समझा 5 रही होगी तो उसको जो है सुधार लेना। यहां पे क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं x माइनस 1। अब जैसे लिखा है x के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, फिर जितना आएगा फिर उसमें माइनस 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2। बात समझ में आया, कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन अगर कहे 3 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, कितना करेंगे, 3 माइनस 2। ये कहां से आया, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 माइनस 1 किया, जितना आया फिर से उसमें माइनस 1 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, अगर कहा जाए कि 6 का, 6 का निकालना है यही पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 और फिर माइनस 1 कर देंगे, इसका मतलब क्या है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती के पूर्ववर्ती के, इस तरह से इतनी लंबी जो है टर्मिनोलॉजी नहीं आती, या तो अनुवर्ती का अनुवर्ती पूछेगा या तो पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती पूछेगा, बस इतना ही आता है। और उसका जो है मोस्ट जो है पूर्ववर्ती जो है वो कॉन्सेप्ट जो है अभी बनाया ही नहीं गया है, और बस इतना ही हम लोग करेंगे। उतना लेंदी में अगर करेंगे तो फिर क्या है, माइनस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। अगर अनुवर्ती के अनुवर्ती के अनुवर्ती के अनुवर्ती के अनुवर्ती का अनुवर्ती निकालना हो तो जितने टर्म बार कहा जाएगा, जैसे 2 बार पूर्ववर्ती है तो 2 घटा देंगे, 3 बार होगा कि पूर्ववर्ती के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती तो 3 घटा देंगे, तो इस तरीके से होता है। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो है ऐसे ही आता है। ओके, आगे तो इस तरह से एक टर्मिनोलॉजी थी, वो जो है हम लोगों ने इसको देख लिया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जंप करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा हुआ था, प्राकृतिक संख्या देखी, पूर्णांक देखे, परिमेय संख्या देखी और अपरिमेय संख्याओं को देखा, संपूर्ण संख्या, प्राकृतिक, इन सारी संख्याओं को हमने देखा था। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि होती क्या है उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था। इस लास्ट चैप्टर के, इससे जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या किया, संख्याओं को पहचाना, क्या किया था हम लोगों ने, संख्याओं को पहचाना कि आखिर में संख्याएं अगर नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो होती कैसी है, ये हम लोगों ने पहचाना, क्या किया, संख्याओं को पहचाना, चाहे फिर वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो संपूर्ण संख्या हो, चाहे इंटीजर्स दैट इज पूर्णांक हो या अपरिमेय संख्या हो, इन सब संख्याओं को क्या किया हम लोगों ने, आइडेंटिफाई किया कि आखिर होती कैसी है, पूर्णांक होते क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है, शून्य पूर्णांक है कि नहीं है, पी बाई क्यू में कौन सी संख्या होती है, और जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है,
होल नंबर दैट इज संपूर्ण संख्या क्या होती, इन सभी संख्याओं को क्या किया हमने आइडेंटिफाई किया, पहचानेंगे कैसे। अब जब पहचान गए तो उस पर क्या करेंगे, अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं थी उन संख्याओं में से स्टेप टू स्टेप क्या करेंगे हम लोग ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे, ध्यान देना, हमने क्या किया संख्याओं को देख लिया, क्या किया प्यारे बच्चों, हम लोगों ने संख्याओं को देखा, इनको क्या किया पहचाना। सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज को पहचानते हैं, जब पहचानते हैं तब उस पर ट्रस्ट करते हैं, जब ट्रस्ट करते हैं तब उस पर जो है और भी आगे जो भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नई नई चीजें उसमें जो है डालते हैं, और भी चीजें जो भी उस चीज को और अधिक वेरीफाई कर सके उन सब चीजों को क्या करते हैं उसमें डालते हैं। तो संख्या के उसमें क्या होगा, जो भी संख्या की जितनी भी संख्या हम आइडेंटिफाई करेंगे उन सभी संख्याओं में क्या करेंगे हम ऑपरेट करना शुरू करेंगे। ऑपरेट का मतलब क्या है, उसमें संक्रियाएं डालेंगे। संक्रिया का मतलब क्या है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है, भाग है, ये सब करेंगे, इनको बोलते हैं संक्रियाएं। अभी तक क्या किया, इन संख्याओं को हमने पहचाना था, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर हम संक्रियाएं करेंगे, इन पे क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे, संख्या इनका क्या करेंगे हम संक्रिया यानी कि ऑपरेट करेंगे, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रिया, और इस संक्रिया का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई भी अगर दो नंबर दी हुई है, ये क्या है संख्याएं हैं, ये क्या है कोई दो संख्याएं हैं, अब इन्हीं संख्याओं के बीच में हम क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे, और वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, माइनस हो सकता है, इतने ही ऑपरेशन है जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में इसके अलावा और कुछ होता नहीं, या तो प्लस होगा या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या तो डिवीजन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, जोड़ गुणा भाग घटाना, ये क्या है, ये ऑपरेशन है। और भी जो होते हैं जो बोर्ड मॉस रूल में लगते हैं वो जो है ब्रैकेट्स भी है, बार ब्रैकेट्स भी है, मिडिल ब्रैकेट्स है, ये वो सब जो है जितने भी प्रकार के वो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल जो ऑपरेशन होते हैं वो यही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्लस इंटू डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके तो इन्हीं को क्या करेंगे, इसी में इन्हीं जितने भी ऑपरेशन है इन्हीं नंबरों पे क्या करेंगे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे लगाएंगे। लगाने से पहले कुछ नियमों को क्या करेंगे हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ लॉ हैं, कुछ रूल हैं जिनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। उन रूल में जो है बारी बारी से प्लस को, गुणा को, कौन कौन सा होगा, वो रूल्स क्या कहता है, वो लॉ क्या कहता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, संपूर्ण संख्या। हमने स्टार्ट कहां से करेंगे, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं या संपूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं। ओके चैप्टर का नाम डाल देते हैं, चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा आप लोग, संपूर्ण संख्याओं पर या संपूर्ण या पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं या संक्रिया या संक्रियाएं। एक लगाएंगे तो एक हो जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है प्लस है, इंटू है, माइनस है, डिवीजन है, अगर यहां पे केवल एक की बात करते तो क्या हो जाता संक्रिया, लेकिन इतने सारे हैं तो क्या कर देंगे संपूर्ण या पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं, जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है और चीजों क्या करेंगे हम लोग धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियोस को देखना, लेक्चर को देखना, बार बार देखना, ना समझ में बार बार पूछना कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सब के सब फंडामेंटल्स है, यहीं से जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, यहीं से बनती है, यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से जनरेट होती है और उसी के आगे क्या है स्प्रेड होती है। उसी जब तक ये चीज नहीं होगी पता तो उस मैथमेटिक्स को, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को क्या हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते,
जो भी उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो उसकी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दिमाग से स्किप हो जाती हैं या दिमाग में आती नहीं है, तो वो सब छोटी छोटी चीजों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं ये जो है पूर्ण संख्या होती क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, होल नंबर। एक बार फिर से जो है स्टार्ट करने से चैप्टर पहले क्या देखेंगे हम लोग, होल नंबर। दिमाग में इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, पूर्ण संख्या यहाँ पे क्या है, होल नंबर, पूरा लिख लेना होल नंबर। होल नंबर एक बार फिर से जो है रिकैप करते हैं तो क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखी, प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और एक और टर्म यूज करते हैं उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग नंबर। क्या है, काउंटिंग नंबर। क्या है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होती है, 1 2 3 4। जो काउंटिंग कहां से करते हैं, कोई भी चीज अगर हम गिनते हैं तो कहां से गिनते हैं, कहां से गिनते हैं, 1 से भी गिन सकते हैं, 2 से भी गिन सकते हैं, 3, जितनी भी चीजें काउंट करना है, 1 भी काउंटिंग में आ सकता है। हाँ, 1 बुक, 1 बुक, 1 कलम, 1 बैग, 1 स्टूडेंट, ओके। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, ये जो होल नंबर होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या काउंटिंग नंबर है, लेकिन 0 को छोड़ करके इसको काउंट नहीं करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि 0 बुक, कोई भी ये नहीं कहता है कि 0 बैग, 0 स्टूडेंट, ये नहीं कहेगा, तो इसलिए यहां से स्टार्ट नहीं होगा। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, लेकिन जो होल नंबर का डिस्कशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर को 0 में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोग एक चीज और डिस्कस कर देते हैं, और शायद इसके बारे में हम लोगों ने बोला भी था, डिस्कस कर भी चुके थे। क्या डिस्कस कर चुके थे, कि इवन और ऑड को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। क्या डिस्कस किया हुआ था प्यारे बच्चों, इवन एंड ऑड, ये कुछ नंबर है, इवन एंड ऑड, इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर, चाहे इवन, तो ये क्या है, इवन और ऑड, ये क्या है से स्टार्ट होगी, 2 4 6 ऐसे, ये कहां से स्टार्ट होगी, 1 3 5 7, तो ऐसे इन सब चीजों को है दिमाग में रख लेना। इवन नंबर क्या होती है, 1 2, इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8, ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, एक टर्म यूज होगा क्रमागत, क्या होगा यूज, क्रमागत, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव, क्रमागत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब बोर होने वाला नहीं है कि तो इजी इजी चीजें हैं, यही क्या है, फाउंडेशन है किसकी, नंबर सिस्टम की, क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, ये क्या है, फाउंडेशन है। और जब फाउंडेशन जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको क्या है, एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। क्रमागत ये टर्म है, इस टर्म को हम कई तरह से लिख सकते हैं। क्रमागत जरा देखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव, ओके, कंसेक्यूटिव। अब ये है क्या, इसको कैसे हम देखेंगे, जो क्रमागत होती है, अगर हम, क्रमागत का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, लेकिन सीक्वेंस की परिभाषा दूसरी है प्यारे बच्चों, सीक्वेंस दूसरा है, यहां पे क्या है, क्रमागत है। तो क्रमागत क्या है, मतलब कि जो भी नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे क्रमागत होल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, चाहे क्रमागत जो है कंजुगेटिव टर्मिनोलॉजी हम नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हूं, जैसी नंबर होगी वैसा ही उसका कंजुगेटिव आगे का जो टर्म हो जाएगा। अगर ध्यान से देखते हैं, हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं तो इस रेस्पेक्ट में जो है क्रमागत कैसा होगा, ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये क्रमागत ऐसा होगा। अगर हम लोग इसमें भी नेचुरल नंबर में भी हम लोग कह दें सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा, अगर यहां से हम सम ले लें, यहां से एक सम ले लें, एक विषम ले लें, यहां से हमने ले लिया सम क्रमागत प्राकृतिक संख्या, सम क्रमागत प्राकृतिक संख्या, अब यहां क्या लिया हमने, विषम क्रमागत
प्राकृतिक संख्या। सम में कैसा होगा, सम में कैसा होगा, सम में 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, समझ में आया। विषम में क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से होता चला जाएगा क्रमागत। अब ध्यान देना, चाहे कोई भी नंबर मिल जाए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इधर ही देखते हैं। मान लेते हैं कि x एक कोई भी इवन नंबर है, इवन x क्या है, कोई भी, हिंदी इंग्लिश ध्यान से सुनना, अगर x कोई भी सम प्राकृतिक संख्या है, क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, क्या है, कोई भी x कोई भी सम प्राकृतिक संख्या। इधर देख लेते हैं, अगर x कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या है, क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, x इज ऑड नेचुरल नंबर एंड x इज हियर x इज सम मतलब इवन नेचुरल नंबर, हियर x इज इवन नेचुरल नंबर एंड हियर x इज ऑड नेचुरल नंबर। अब जरा ध्यान से देखना, अब अगर ये सम है, जरा ध्यान से देखना, अगर ये सम है तो इसके जो कंसेक्यूटिव्स होंगे, इसके जो कंसेक्यूटिव्स होंगे वो क्या होंगे, x पहला, x प्लस टू, x प्लस कितना, x प्लस टू, x प्लस फोर, x प्लस सिक्स एंड सो ऑन। ध्यान समझ में आ रहा ना, ओके। इधर क्या है, इधर भी वैसे ही होगा, इधर भी वैसे ही होगा, x x प्लस टू, x प्लस, सबसे पहले x लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, x x प्लस टू, x प्लस फोर एंड x प्लस सिक्स एंड सो ऑन। बात समझ गई, अगर x एक क्या है, इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर है, x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसकी कंसेक्यूटिव्स कौन कौन सी होंगी, x x प्लस टू, x प्लस थ्री। अगर कहता है कि अगर x एक ऑड नेचुरल नंबर है, इसकी टू जो है कंसेक्यूटिव्स फाइंड कीजिए, तो इसकी जब टू होंगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस x x प्लस टू, थ्री कहेगा तो इसको मिला लेंगे, फोर कहेगा तो इसको मिला लेंगे, फाइव इसको मिला लेंगे, आगे करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे इधर भी। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहां पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल क्या लिया हमने, दो लिया, यहां एग्जांपल क्या लिया हमने, यहां एग्जांपल लिया हम लोगों ने फाइव, ध्यान देना क्या लिया, इधर फाइव लिया, इधर हमने टू लिया। अब इसके कह रहा है कि फाइंड द थ्री कंसेक्यूटिव्स ऑफ टू, थ्री कंसेक्यूटिव्स ऑफ थ्री इवन कंसेक्यूटिव का कहेगा। अगर कहता है, जरा ध्यान सुना, अगर केवल कंसेक्यूटिव कहेगा तो टू के आगे थ्री फोर फाइव हो जाएगा, अगर इसकी केवल कंसेक्यूटिव्स कहेगा तो फाइव सिक्स सेवन हो जाएगा, लेकिन अगर टू की इवन कंसेक्यूटिव कहेगा, अगर दो की इवन कंसेक्यूटिव कहेगा तो क्या करेंगे हम, दो फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू प्लस टू, फिर क्या करेंगे, टू प्लस फोर, फिर कितना लिखेंगे, टू प्लस सिक्स एंड सो ऑन। थ्री कह रहा तो बस इतनी हो जाएंगी, अगर इसके आगे कह रहा तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, दो की निकालनी ना, दो को छोड़ करके एक दो तीन, वैसे इधर क्या करेंगे, इसकी अगर थ्री निकालनी है तो क्या करेंगे, फाइव तो है ही, आगे कितना होगा, फाइव प्लस टू एंड फाइव प्लस फोर एंड फाइव प्लस सिक्स। बात समझ में आ गई, इसकी कितनी हो जाएगी, दो चार छ आठ, इसकी कितनी हो जाएंगी, सात ग्यारह, एक मिनट प्यारे बच्चों, या ना होगा ना, फाइव फोर नाइन, ये कितना हो जाएगा, अलेवन। ये बात समझ में आ रही, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये है इस तरीके से, ये है क्या है, कंसेक्यूटिव टर्मिनोलॉजी है, क्या है, कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमागत का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई ना, ना समझ में तो फिर से जो है पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको उसका नाम है क्लोजर, क्या है, क्लोजर। जरा ध्यान से सुनना, क्लोजर होता क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं संवरक, क्या बोलते हैं, संवरक, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, या लॉ ऑफ क्लोजर, क्लोजर या क्लोजर लॉ बोलते हैं, लॉ या संवरक का नियम। ध्यान से देखना,
संवरण का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, पूर्ण संख्या, किसके रेस्पेक्ट में, किसके साथ, पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए ये जो है संवरण का नियम कैसे बिहेव करेगा इसको जरा ध्यान से देखना, लिख लो, लिखेंगे लिखेंगे यदि यदि x एंड y दो पूर्ण संख्या है, क्या है प्यारे बच्चों, दो पूर्ण संख्या है, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार लिख लोगे, क्लोजर नियम के अनुसार डैश करके, क्लोजर नियम के अनुसार डैश नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में, यदि दो, यदि x और y दो पूर्ण संख्याएं हैं तो, इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो, जरा ध्यान से, यहां से इसका नहीं मतलब, लेकिन इस लाइन का मतलब होता है तो किसके सापेक्ष, क्लोजर यहां पे लिखेंगे जोड़ के, जोड़ का यहां पे लिख लेंगे, जोड़ का संवर्ग नियम, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ यहां लिख लेना एडिशन, यहां हिंदी में लिख लेना जोड़ का, ओके तो एकदम क्लियर हो जाएगा, जोड़ का संवरक नियम, जोड़ का संवरक नियम उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, यदि x और y दो पूर्ण संख्याएं हैं तो x प्लस वाई भी एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक, खत्म, क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी एग्जाम्पल देखते देखते फटाफट समझ में आएगा, इसको नोट कर लिया, आगे देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर यहां पे क्या लिखा, दो, ये क्या है, दो लिखा है, और ये क्या लिखा, पांच, ध्यान से देखना, दो लिखा है और क्या लिखा, पांच लिखा है, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या, इनको जोड़ दें, जोड़ दें, कितना हो जाएगा, टू प्लस फाइव, कितना हो गया, सेवन, सेवन क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, सेवन क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, वन से, टू से, थ्री से, एंड सो ऑन, कंटिन्यू तो जाती है, क्या होती है, कंटिन्यू तक जाती है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक 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 ऐड होता जाएगा उसमें, बात समझ में। तो कहने का मतलब यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है प्लस की, ये कहती है कि अगर कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हो और उनको जोड़ दें आपस में, तो उनका जो जोड़ होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होता है। इस तरीके से गुणा में देख लेते हैं, गुणा में तो लिखेंगे गुणा का संवरक नियम, इसको लिख लेना पूरा, गुणा का संवरक नियम, गुणा का संवरक नियम, यहां पे क्या होगा, अगर दो यक्ष और वाई क्या है, दो पूर्ण संख्या है, क्या है, दो दो पूर्ण संख्या है, तो उनका गुणा भी x इंटू वाई वो भी क्या है, वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। इसको नोट करोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे गुणा का संवरक नियम, यदि x और y दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणा अर्थात x इंटू वाई भी एक पूर्ण संख्या होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जीरो है और एक दो है, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, है नो डाउट, क्योंकि बता चुके हैं कि जीरो आल्स जीरो इज आल्स जीरो भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, गुणा कर दो, जीरो इंटू दो किया कितना गया, जीरो, और जीरो क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, बात समझ में आई। कोई भी ले लिया, हमने तीन ले लिया, जीरो ले लिया, गुणा किया, जीरो आ गया, ये भी एक पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, तीन लिया, पांच लिया, गुणा किया, पंद्रह, पंद्रह भी क्या है, पूर्ण संख्या है, बात समझ में आई, ओके। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, और जो है इस वीडियोस को, लेक्चर को बार बार देखना, और बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जो है उसको कमेंट बॉक्स में पूछना या ग्रुप में पूछ लेना, ओके स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो है वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के लिंक को भी मैक्सिमम लोगों तक जो है शेयर कीजिए, जिससे कि जो है इसकी पहुँच, इसकी रीच जो है मैक्सिमम लोगों तक हो सके, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।